नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कर्मचारी लाभ मार्गदर्शिका के बारे में। और जैसा कि आप सभी को पता है, उमंग स्टडी का हमेशा से मुहिम रहती है कि एक छात्र यदि वो तैयारी भी कर रहा है या रेलवे को ज्वाइन भी कर चुका है, तो उसको हर एक चीज़ की एक एक जानकारी जो है सो कि होनी चाहिए और बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी होनी चाहिए। तो इसी मुहिम के तहत हम लोग आपके लिए एक कदम आगे बढ़ करके आए हैं। रेलवे जो है सो कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी किया गया है रेलवे की तरफ से, ईस्ट सेंट्रल रेलवे ECR। ओके, अभी हम लोग आपको दिखाएंगे भी। उसमें कार्मिक विभाग के द्वारा जारी किया गया कर्मचारी लाभ मार्गदर्शिका, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तभी हम लोग चैप्टर 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि है आपका रेलवे भत्ता अलाउंसेस। जानकर बिल्कुल ही आप आश्चर्य हो जाएंगे, बहुत सारे छात्र अभी नए ज्वाइन किए हैं ग्रुप डी को, ALP के। आप लोग भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे या NTPC की तैयारी कर रहे होंगे, या JEE में भी बहुत सारे स्टूडेंट का भी सिलेक्शन हो गया, तो आप लोगों को बिल्कुल अलाउंसेस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। रेलवे द्वारा 14 अक्टूबर 2019 को जारी, तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जो भी जानकारी होगी वो आपको डिटेल में मालूम चल जाएगी। ओके, ये आपके सामने वो ऑफिशियल है फ्रेंड, जो कि जिसे ये पता चलता है कि 14 अक्टूबर को रिलीज किया गया है। ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे का फेसबुक ऑफिशियल पेज है, आप भी चाहें तो इनको जाकर के फॉलो कर सकते हैं। ईस्ट सेंट्रल रेलवे एडेड एट न्यू फिट 14 अक्टूबर 2019 16:40 पर पूर्व मध्य रेल के हाजीपुर स्थित मुख्यालय में आज पूर्व मध्य रेल के कार्मिक अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान महाप्रबंधक श्री ललित चंद्र त्रिवेदी द्वारा कार्मिक विभाग द्वारा तैयार की गई 3 पुस्तिकाओं कर्मचारी मार्गदर्शिका, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समर्पित समापक दर्पण तथा राजपत्रित अधिकारियों की वर्गीकृत सूची का विमोचन किया गया। तो हमारे पास अभी यह है कर्मचारी मार्गदर्शिका, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे आपके लिए समापक दर्पण भी जो मतलब अरेंज करने का, और आप लोग अधिकारियों द्वारा वर्गीकृत उसका विमोचन भी करेंगे। ओके, ये देख सकते हैं बहुत सारा फोटोज भी आप लोग का ऐड किया गया था, सारा फोटोज भी मैं आपको दिखा दूँगा। टोटल यहाँ पर लगभग 7-8 फोटोज थे, फोटो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके सामने कुछ पिक्स है फ्रेंड, देख सकते हैं विमोचन किया जा रहा है। ये आपके सामने वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है फ्रेंड्स, ईस्ट सेंट्रल रेलवे पूर्व मध्य रेल मुख्यालय हाजीपुर, हेडक्वार्टर हाजीपुर। ओके, कार्मिक विभाग कर्मचारी लाभ मार्गदर्शिका संरक्षण श्री LC त्रिवेदी महाप्रबंधक जी, जो कि आपके GM हैं, मार्गदर्शक श्री शैलेंद्र कुमार प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, प्रधान संपादक श्री SC श्रीवास्तव मुख्य कार्मिक अधिकारी प्रशासन, सह संपादक श्रीमती शिवानी उप मुख्य कार्मिक अधिकारी मुख्यालय हेडक्वार्टर। ओके, तो ये देख सकते हैं इनका कुछ मैसेज भी है, तो ये मैसेज आपके लिए ज़्यादा काम का नहीं है। आपके लिए सीधा हम लोग जो चैप्टर 1 है उस पर डिस्कशन करेंगे, फिर ये आपका जो है सो कि अपर महाप्रबंधक उनका कुछ संदेश है आप लोगों के लिए, फिर जो है सो कि आप लोगों का ये आपका शैलेंद्र कुमार जी हैं, इनका कुछ संदेश है आप लोगों के लिए, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। ठीक है, फिर आप लोगों का जैसे कि यहाँ पे आपके हैं प्रधान संपादक की कलम से, ये आपके हैं सुरेश चंद्र श्रीवास्तव जी, इनके कलम से कुछ है आप लोगों के लिए। ये आपका चैप्टर्स देख सकते हैं, एक एक करके मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। टोटल यहाँ पे 10 चैप्टर्स है। अभी हम लोग चैप्टर 1 डिस्कशन करेंगे, ये वाला भत्ता नियम, चैप्टर 1 भत्ता नियम पृष्ठ संख्या 1 से। चलिए तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और ये जो वीडियो आप लोगों को मिलेगा देख लेना, अलग अलग मैं बता दूंगा। भत्ता नियम, छुट्टियाँ, अवकाश नियम, पास नियम, कर्मचारी लाभ निधि, संस्थानांतरण, विविध कर्मचारी चार्टर, महिला कर्मचारी चार्टर, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, शिकायत निवारण, तो सब एक एक करके आपको मिल जाएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। डिस्क्लेमर यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इस मार्गदर्शिका में उल्लेखित सभी नियम या दिशा निर्देश रेल कर्मचारियों के ज्ञानवर्धन के लिए है, इसका इस्तेमाल किसी भी संदर्भ के रूप में मान्य नहीं होगा। चलिए भत्ता नियम थोड़ा मैं आप लोगों के लिए जूम कर देता हूँ। फर्स्ट जो है आप लोगों के लिए है भत्ता नियम में, शिक्षा भत्ता, सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले पहले 2 बच्चों के लिए या दूसरे प्रसव में 1 से अधिक बच्चे होने के कारण बच्चों की संख्या 2 से अधिक हो गई हो, या परिवार नियोजन ऑपरेशन फेल होने की अवस्था में तीसरी बच्चे हो, तो ठीक है 2 बच्चों को इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिया गया है कि 2 बच्चों को ही आपको मिलेगा, और तीसरा का क्या कंडीशन वो बता दिया गया है। सेकेंड पॉइंट है इसमें, कक्षा नर्सरी, कक्षा पहली से पूर्व 2 कक्षा से कक्षा 12वीं तक अथवा 10वीं कक्षा पास करने के बाद ITI डिप्लोमा कोर्स पॉलिटेक्निक 2 वर्षों के लिए। थर्ड पॉइंट बोलता है ₹2250 प्रति माह या ₹27,000 प्रति वर्ष, RBE संख्या 114/2018-147/2017। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है वर्ष में 1 बार वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर, ठीक है। नेक्स्ट, विकलांग बच्चों के लिए 2 गुना, ठीक है, ये आपका डेट है 25 जनवरी 2018 का,
नेक्स्ट, रेल कर्मचारी के बच्चे को मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में पढ़ने का वास्तविक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यह डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। नेक्स्ट, दिव्यांग महिलाओं होते हुए बच्चों की देखभाल के लिए 3,000 रुपये प्रतिमाह, 2 वर्ष तक, अधिकतम जीवी 2 बच्चे, विशेष पता, ये जो भी लेडीज होंगी जो कि PWD कैटेगरी होंगे उनको स्पेशल अलावेंसेस मिलेंगे। लेटर नंबर है आपका 7 दिसंबर 2017। नेक्स्ट, आप लोगों का सेकंड नंबर में छात्रावास सब्सिडी हॉस्टल, इसका लेटर है आपका 13 अगस्त 2018। बिल्कुल सब कुछ लेटेस्ट है, बिल्कुल एकदम फ्रेंड्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ने वाले पहले दो बच्चों के लिए या दूसरे प्रसव में एक से अधिक बच्चे होने के कारण बच्चों की संख्या 2 से अधिक हो गई हो, या परिवार नियोजन ऑपरेशन फेल होने की अवस्था में तीसरे बच्चे हेतु, तीसरे बच्चे का क्या कंडीशन है वो आपको पहले से ही बता दिया गया है। सेकंड पॉइंट इसमें बोलता है, फर्स्ट में एलिजिबिलिटी आपको बता दिया गया है, कक्षा 10, कक्षा नर्सरी, कक्षा 1 से पूर्व 2 कक्षा से कक्षा 12वीं तक अथवा 10वीं कक्षा पास करने के बाद ITI डिप्लोमा कोर्स पॉलिटेक्निक 2 वर्षों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए है, थर्ड पॉइंट है इसमें, ₹6,750 प्रति माह अथवा लॉजिंग एवं बोर्डिंग हेतु खर्च की गई राशि, इनमें से जो कम हो। आपको कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में कुछ भी समझ में ना आए फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। वैसे मुझे नहीं लग रहा किसी भी छात्र को कोई भी परेशानी हो रही हो, क्योंकि काफ़ी अच्छा लैंग्वेज में बिल्कुल शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है। इसको मैं फिर एक्सप्लेन करने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको भत्ता नियम को ही मुझे ख़त्म करना है। चलिए, कोई भी समझ में नहीं आया बिल्कुल पूछ लेना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या किसी भी माध्यम से आपको समझाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष में एक बार वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर, नेक्स्ट पॉइंट है, कर्मचारी के आवास से 50 किलोमीटर या अधिक की दूरी पर आवासीय स्कूल कॉलेज स्थित होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, आवेदन के साथ बच्चे का मान्यता शिक्षण संस्थान में पढ़ने का वास्तविक प्रमाण पत्र तथा लॉजिंग एवं बोर्डिंग हेतु खर्च की गई राशि का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। नेक्स्ट नोट, फर्स्ट, यदि पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो दोनों में से किसी एक को ही शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी का लाभ मिलेगा, ठीक है, दोनों को नहीं मिलेगा। सेकंड, शिक्षा भत्ता या हॉस्टल सब्सिडी के भत्ते का लाभ एक ही बच्चे के लिए एक साथ नहीं होगा, ठीक है, एक बच्चे के लिए एक साथ दोनों नहीं होगा। थर्ड है आप लोगों का, रात्रि ड्यूटी भत्ता, इसका लेटर है 8 मार्च 2018, बिल्कुल लेटेस्ट। फर्स्ट पॉइंट है, सभी ग्रुप सी एवं ग्रुप डी के कर्मचारी जो गहन, निरंतर तथा आवश्यक रूप से विरामी कोटियों में वर्गीकृत हैं, उन्हें रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की ड्यूटी करने के लिए मानदेय होगा, ठीक है। इस दौरान यदि आपका ड्यूटी लगता है रात 10 बजे से मॉर्निंग के 6 बजे तक, तो आपको रात्रि भत्ता मिलेगा। सेकंड पॉइंट, प्रत्येक एक घंटे के लिए 10 मिनट के हिसाब से दिया जाता है, प्रत्येक एक घंटे के लिए 10 मिनट के हिसाब से दिया जाता है। फोर्थ, राष्ट्रीय अवकाश भत्ता, ठीक है, नेशनल हॉलीडे। फर्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय अवकाश पर ड्यूटी हेतु बुक किए गए अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए कर्मचारी का विश्राम होने पर भी यह भत्ता मिलता है। यह भत्ता केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जो राष्ट्रीय अवकाशों का लाभ नहीं लेते तथा राष्ट्रीय अवकाश के दिन काम करते हैं। ये लेटर है आपका 30 अगस्त 2018 के रेफरेंस को लेकर के यह बात कहा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, चालू लाइन कर्मचारी को भी देय है। नेक्स्ट, शिफ्ट ड्यूटी में कार्य करने वालों को राष्ट्रीय अवकाश पर ड्यूटी करने पर निर्धारित दरों से पूरा राष्ट्रीय अवकाश भत्ता दिया जाएगा, निम्नलिखित दरों से दे होगा। ये आपका एकदम लेटेस्ट है, 13 अगस्त 2017 का। मैट्रिक्स लेवल 1 और 2 ₹384, मैट्रिक्स लेवल 3 और 5 ₹477, मैट्रिक्स लेवल 6 और 9 अराजपत्रित कर्मचारी ₹630, ओके। नेक्स्ट, पांचवा, वर्दी भत्ता, ड्रेस अलाउंस, ये आपका लेटर नंबर है 3 अक्टूबर 2017, उसके रेफरेंस में ये बात कहा जा रहा है। उन सभी कर्मचारी को जैसे ट्रैकमैन, रनिंग कर्मचारी, कार ड्राइवर, कैंटीन स्टाफ इत्यादि, जिन्हें नियमित वर्दी पहननी पड़ती है, ₹5,000 प्रति वर्ष के हिसाब से दे है। स्टेशन मास्टर को ₹10,000 प्रति वर्ष एवं नर्स को ₹1,800 प्रति वर्ष के हिसाब से दे होगा। तो स्टेशन मास्टर के लिए बेनिफिट है फ्रेंड्स, उनको सीधा ₹10,000 प्रति वर्ष मिल रहा। नेक्स्ट, कर्मचारियों के वेतन में वर्ष में एक बार माह जुलाई में दे होगा, एक बार आपको दिया जाएगा, ठीक है, जुलाई मंथ में। नेक्स्ट, पहले मिलने वाले धुलाई भत्ते, जूता भत्ता तथा किट मेंटेनेंस भत्ता भी वर्दी भत्ता में शामिल है, ठीक है। ये सब भी मतलब कि जो आप लोगों का होता है जूता भत्ता, किट मेंटेनेंस भत्ता, धुलाई भत्ता भी आप लोगों को उसमें शामिल है। जिन कर्मचारियों को पहले वर्दी मिलती थी वह अब नहीं मिलेगी, वर्दी के बदले आपको पैसा मिलेगा।
अन्य सुरक्षात्मक सामान जैसे सुरक्षा जूते, सुरक्षा हेलमेट, टोपी वाला, रेनकोट इत्यादि अलग से मिलेंगे, ठीक है, ये आपको अलग से मिलेगा। यह वर्दी भत्ता के अंतर्गत नहीं आता, ये सब चीज़ जैसे कि आपको वर्दी भत्ता के अंतर्गत नहीं आता, क्या क्या आता वो अलग से आपको मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट आप लोग का रिस्क अलाउंस, जोखिम और कठिनाई भत्ता, ये लेटर रेफरेंस दिया गया है 10 अक्टूबर 2017 का। ट्रैक मेंटेनर, की मैन, मेट कर्मचारियों को निम्नानुसार देय है, लेवल 8 एवं उसके नीचे 2700 रुपये प्रतिमाह, लेवल 9 एवं इसके ऊपर 3400 रुपये प्रतिमाह। ब्रेक डाउन भत्ता, ठीक है, ब्रेक डाउन 31 अगस्त 2017 का लेटर का रेफरेंस दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, ब्रेक डाउन ड्यूटी हेतु बुक हुए कर्मचारियों को देय है। नेक्स्ट, ऐसे कर्मचारियों को मुफ्त भोजन की आपूर्ति की जाती है जहां कार्यस्थल पर भोजन की आपूर्ति संभव ना हो, उन्हें नकद भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट, कार्यस्थल से दुर्घटना स्थल तथा ड्यूटी स्थान पर वापसी यात्रा का पूरा समय समयोपरि भत्ते के भुगतान के लिए ड्यूटी माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे कर्मचारी को 100% की दर से यात्रा भत्ता प्राप्त होगा जिसका इस तथ्य से कोई संबंध नहीं होगा कि स्टाफ मुख्यालय से 8 किलोमीटर से अधिक दूर गया था या नहीं, 12 घंटा से अधिक कार्य किया या नहीं, ओके। नेक्स्ट, ब्रेकडाउन भत्ते के लिए विभिन्न विभागों जैसे लोको कैरेज वैगन, परिचालन, सिविल इंजीनियरिंग, सिग्नल एवं दूरसंचार, बिजली इत्यादि से स्टाफ को चिन्हित किया जाता है जो कि ब्रेकडाउन गाड़ियां जैसे दुर्घटना राहत गाड़ी, चिकित्सा राहत गाड़ी के रखरखाव करते हैं। उन्हें उपयुक्त के अलावा निम्नलिखित निर्धारित दरों से ब्रेकडाउन भत्ता दिया जाता है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे देखिए डिटेल में दिया हुआ है, क्रम 1, 2, 3, 4 इधर है आप लोगों का। इसमें जो आप लोगों का कोटी कैटेगरी दिया हुआ है, हेल्पर ग्रेड 2, हेल्पर ग्रेड 1, अन्य ग्रुप डी स्टाफ, पे लेवल ये लेवल 1 है तो आपको राशि कितना मिलेगा प्रतिमाह 270 रुपये। टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, ठीक है, लेवल 2 है आपका तो आपको मिलेगा 405 रुपये प्रतिमाह। टेक्नीशियन ग्रेड 2 या टेक्नीशियन ग्रेड 1 या पर्यवेक्षक हैं, पूर्ववर्ती मिस्त्री हैं, लेवल 4, 5 हो, कुछ भी हो आपका, तो आपको 540 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। नेक्स्ट है सीनियर टेक्नीशियन, वरिष्ठ टेक्नीशियन या कनिष्ठ इंजीनियर एवं उच्चतर वेतनमानों के कर्मचारी, लेवल 6 है तो आपको 675 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। नेक्स्ट आप लोगों का गेट भत्ता, इसमें लेटर का डेटा रेफरेंस नंबर लिया गया 30 अगस्त 2017 का। स्पेशल लेवल क्रॉसिंग गेट इंजीनियरिंग पर कार्यरत ट्रैक मेंटेनरों को प्रतिमाह 1000 पे मैट्रिक्स लेवल 8 तक एवं लेवल 9 और इसके ऊपर के कर्मचारियों को 1200 रुपये प्रतिमाह दे है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का महंगाई भत्ता, फर्स्ट पॉइंट इसमें है, वर्ष में 2 बार जनवरी एवं जुलाई महंगाई भत्ता दे होगा, ठीक है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार दिनांक 1 जनवरी 2016 से महंगाई भत्ता की दरें निम्नानुसार है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों का, एक मिनट। एक जनवरी 2016, ठीक है, 1 जुलाई 2016 2%, 1 जनवरी 2017 4%, 1 जुलाई 2017 5%, 1 जनवरी 2018 7%, 1 जुलाई 2018 9%, लेटर 10/9/2018 1 जनवरी 2019 12%, 6 मार्च 2019 का लेटर का डिफरेंस नंबर लिया गया है। 10th पॉइंट है दैनिक भत्ता / यात्रा भत्ता, ठीक है, इसमें लेटर रेफरेंस नंबर लिया गया है 8 अगस्त 2017 का। इसमें फर्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, रेल कर्मचारी को अपने मुख्यालय से 8 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा या वापसी हेतु निर्धारित दर से अनुसार यात्रा भत्ता दे है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आप लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है। इधर आपका सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पे मैट्रिक्स इधर लेवल 14 या उससे ऊपर है आपका तो आपको मिलेगा 1200 रुपये प्रतिमाह। लेवल 12 या 13 है आपका तो आपको मिलेगा 1000 रुपये प्रतिमाह। लेवल 9 से 11 है तो आपको 900 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। लेवल 6 से 8 है तो 800 रुपये प्रतिमाह। लेवल 5 या उससे नीचे है तो आपको 500 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। नेक्स्ट आप लोगों का अगला पॉइंट इसमें बोलता है, यात्रा भत्ता मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के प्रत्येक दिन हेतु देय होगा जिसकी गणना मध्य रात्रि से मध्य रात्रि के आधार पर निम्नानुसार होगी। इधर आपका क्रम संख्या होगा मुख्यालय से अनुपस्थिति, लगातार 6 घंटे या उससे कम, प्रतिशत कितना हो जाएगा 30%, लगातार 6 घंटे से अधिक तथा 12 घंटे 70%, ठीक है, 12 घंटे से कम 70%, लगातार 12 घंटे या उससे अधिक 100%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप लोगों का बोलता है, यात्रा भत्ता के लिए दावा यात्रा समाप्त होने की तारीख से 60 दिनों के अंदर करना होगा। लेटर रेफरेंस नंबर 2 अप्रैल 2018। नेक्स्ट आप लोगों का परिवहन भत्ता,
ठीक है, इसमें लेटर रेफरेंस नंबर लिया गया आप लोगों का 3 अगस्त 2017 का, ये देख सकते हैं आप लोग। इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का बोलता है, सातवें वेतन आयोग के अनुसार दिनांक 1 जनवरी 2016 से परिवहन भत्ते की दरें निम्नानुसार होगी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्रम संख्या 1, 2, 3, पे मैट्रिक्स लेवल, लेवल 9 या उससे अधिक है आपका तो आपको मिलेगा उच्च TPA शहर 7200 प्लस महंगाई भत्ता, अन्य जगह में है तो आपको 3600 प्लस महंगाई भत्ता, लेवल 3 से लेवल 8 के बीच में है तो 3600 प्लस महंगाई भत्ता, अन्य जगह में है तो आप लोगों को मिलेगा 1800 प्लस महंगाई भत्ता। कैटेगरी सीरियल नंबर 3 लेवल 1 एवं लेवल 2 है 1350 प्लस महंगाई भत्ता, अन्य जगह में है तो आपको 900 प्लस महंगाई भत्ता। दिव्यांग कर्मचारियों को दोगुने दर से परिवहन भत्ता मिलेगा, दिव्यांग जो भी होंगे उनको डबल मिलेगा, ठीक है। 12th कठिन यात्रा भत्ता टफ लोकेशन अलावेंस, लेटर रेफरेंस नंबर है 11 अगस्त 2017। पहले यह आदिवासी जनजाति क्षेत्र भत्ते के नाम से जाना जाता था, इसको पहले किसे जाना जाता था, आदिवासी जनजाति क्षेत्र भत्ता के नाम से जाना जाता था। पे मैट्रिक्स लेवल 9 या इससे ऊपर है तो आपको 1200 रुपये प्रति माह मिलेंगे, ठीक है, लेटर रेफरेंस नंबर दिया हुआ है 11 अगस्त 2017 का। पे मैट्रिक्स लेवल 8 या इससे नीचे है तो आपको 1000 रुपये प्रति माह मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का मकान किराया भत्ता, इसका लेटर रेफरेंस नंबर है 19 जुलाई 2017 का। इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का बोलता है, मकान किराया भत्ते की दर एक्स श्रेणी के शहरों में रुपये 5400, वाई श्रेणी के शहरों में रुपये 3600 तथा जेड श्रेणी के शहरों या गांवों में रुपये 1800 से कम नहीं होंगी। नेक्स्ट, पूर्व मध्य रेल के पटना सर्किल वाई श्रेणी में शामिल है और बाकी सभी स्टेशन जेड श्रेणी में आते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा तरीके से दिया हुआ है फ्रेंड्स। क्रम संख्या 1, 2, 3 शहरों गांवों का वर्गीकरण श्रेणी, एक्स की बात करें तो मूल वेतन पर आधारित दर 24%, वाई शहर 16%, जेड आपका 8%। नेक्स्ट आप लोगों का 14th पॉइंट में ड्राई सेल भत्ता, ड्राई सेल रेलवे बोर्ड के, इसमें लेटर रेफरेंस नंबर लिया गया आपका 7 दिसंबर 2017। इसमें फर्स्ट पॉइंट बोलता है, सभी ट्रैकमैन को जिन्हें रात्रि गश्त पेट्रोलिंग की ड्यूटी करनी पड़ती है उन्हें रुपये 150 प्रति माह की दर से नियमित वेतन में सेल खरीदने के लिए यह भत्ता दिया जाता है, बैटरी खरीदने के लिए दिया जाता है। जिन्हें रिचार्जेबल टॉर्च उपलब्ध है उन्हें यह भत्ता नहीं मिलेगा, आपको रिचार्जेबल टॉर्च मिला है तो आपको यह भत्ता नहीं मिलेगा। 15वां भत्ता आप लोगों का अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता, लेटर रेफरेंस नंबर है 30 जनवरी 2018। फर्स्ट पॉइंट बोलता है, ग्रुप सी और ग्रुप डी गैर लिपिकीय रेलवे रेल अस्पतालों और स्वास्थ्य इकाइयों क्लिनिक में कार्यरत रेल कर्मचारियों को अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता निम्नानुसार निम्नलिखित है। देखिए, 1 में बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल 8 या उससे कम है तो आपको रुपये 4100 प्रति माह मिलेगा। सेकंड की बात करें, लेवल 9 या उससे ऊपर है तो आपको रुपये 5300 प्रति माह मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग का सम्मिश्र स्थानांतरण अनुदान, ठीक है, CTG इसको बोलते हैं। इसमें लेटर रेफरेंस नंबर लिया गया आप लोगों का 24 अगस्त 2017 का। फर्स्ट पॉइंट इसमें बोला जा रहा है, कर्मचारी का एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर प्रशासन के हित में स्थानांतरण होने पर मूल वेतन के आधार पर दे। ओके, चलिए नेक्स्ट, जहां स्थानांतरण 20 किलोमीटर अथवा उससे अधिक की दूरी पर स्थित किसी अन्य स्टेशन पर हुआ है तो कर्मचारी को CTG का भुगतान पिछले माह के मूल वेतन के 80% की दर से किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, सभी श्रेणी के कर्मचारी जिनका स्थानांतरण 20 किलोमीटर की परिधि में किया गया है अथवा आवास परिवर्तन किया गया है उन्हें पिछले माह के मूल वेतन की 1/3 राशि देय होगी। नेक्स्ट, सेवानिवृत्त कर्मचारी यदि सेवानिवृत्त के पश्चात 20 किलोमीटर अथवा उससे अधिक की दूरी पर स्थित किसी अन्य स्टेशन पर बसता है तो CTG का भुगतान अंतिम मूल वेतन के 80% की दर से किया जाएगा। ठीक है, लेटर नंबर है आपका 103/2017 RBE संख्या। सेवानिवृत्त कर्मचारी जो उसी स्टेशन या 20 किलोमीटर की परिधि में बसता है तथा अपना निवास वास्तविक रूप से बदला है उसे पिछले माह के मूल वेतन का 1/3 राशि का भुगतान दे होता है। सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी व मृत्यु के मामले में रेल कर्मचारी के परिवार को देय राशि एक समान होगी। नेक्स्ट, पदोन्नति पर स्थानांतरण के मामले में पदोन्नति पूर्व वेतन के आधार पर भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट, निम्न स्थिति में CTG दे नहीं होगा, किन किन स्थितियों में CTG आपको नहीं मिलेगा। फर्स्ट आप लोग का स्वैच्छिक स्थानांतरण या पारस्परिक स्थानांतरण होने पर। सेकंड, 180 से कम दिनों के लिए अस्थायी स्थानांतरण होने पर। थर्ड, सेवानिवृत्त की स्थिति में जब तक कर्मचारी रेल आवास खाली नहीं कराता तब तक। ओके, नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का छुट्टियाँ अवकाश नियम, बहुत एक्साइटेड है, आप लोग कमेंट जरूर करना कौन कौन एक्साइटेड हो छुट्टियों वाले चैप्टर के लिए।
आप लोग कमेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि ये सीरीज़ आप लोगों के लिए कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, छुट्टियों वाला वीडियो बनेगा कि नहीं बनेगा। इसलिए आप लोग कमेंट करके अपना रिव्यू या फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको केवल और केवल उमंग स्टडी में मिलता है। और सारे छात्र जो भी रेलवे को ज्वाइन किए हैं या जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आप लोग के लिए रेलवे प्रॉपर व्यवस्था करके रखता है। आप लोग पूरी जानकारी रखें और सबका लाभ जरूर उठाएं। ओके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जरूर करें, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके अंदर भी थोड़ा सा एनर्जी आए कि आखिर कितने अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में वो जा रहे हैं जहाँ पर उनको कितने तरह की सुविधाएँ मिलती हैं। ओके, तो चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो यदि अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके लाइक करने से और आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और इस तरह के सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू रख पाते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको केवल उमंग स्टडी पर मिलता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।